हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टे हूं। आज मैं दो प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूं यहां पे। और कुछ प्लांट मैंने आज से 10 दिन पहले भी रिपोर्ट किए थे, मतलब 8 दिन पहले रिपोर्ट किए थे। तो मेरे रिपोर्टिंग के बाद मैंने उनको थर्ड फ्लोर पे ही छोड़ दिया, क्योंकि यहां पे बिल्कुल स्पेस नहीं थी रखने के लिए। और ये प्लांट लगभग मेरे कम से कम 20 दिन तो हो गए होंगे इनको गमले से निकाले हुए। ये प्लांट मेरे पीछे मैंने पॉट को रखा हुआ था, ये दीवार पे रखा था इधर, तो बंदरों ने गिरा दिया था तो पीछे गिर गया था, तो उस कंडीशन पे ही पूरा गमले से बाहर आ गया था। तो लगभग 20 दिन हो गए इस प्लांट को, और उसके बाद लगभग ये भी 15-20 दिन इसको भी हो रहा होगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी एक ब्रांच रॉट हो रही थी, और 2-3 प्लांट मेरे इसी तरह से रॉट हो गए थे, तो पूरा धीरे धीरे गलते गलते नीचे तक चले गए थे। तो मैंने क्या किया था इसको उसी टाइम पर, जब मैंने इसकी ब्रांच को रॉट देखा और मुझे कोडेक्स का जो ये मतलब प्लांट का जो पॉट था वो भी बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, तो मतलब रूट इसकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती थी अगर मैं इसको गमले से नहीं निकालती तो। अभी नहीं तो ये विंटर में ज़रूर ख़राब हो जाता। तो मैंने क्या किया, इसको भी डर के मारे पॉट से बाहर निकाल लिया था। मुझे लगा इतना बड़ा कोडेक्स है और हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि ऊपर से रोटिंग शुरू है तो हो सकता है कहीं नीचे से भी ना शुरू हो, तो उसी चक्कर में मैंने इसको गमले से बाहर निकाल लिया था। तो अभी देखिए, एक को मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ और दूसरे को मैं इस पॉट में, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अब इनका डोरमेंसी टाइम आने वाला है और ये बस थोड़ी सी ग्रोथ कर ले और चलने लगे अच्छे से, उतना ही चाहिए हमें, क्योंकि उसके बाद ये वैसे भी डोरमेंसी में रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोर्स सैंड ली हुई है, जो कि बजरी वाली होती है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वही सैंड मैंने ली है। देखिए, इसको छाना हुआ नहीं है, मैंने प्योर सैंड ली हुई है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी दो मुट्ठी के लगभग मैंने गोबर की खाद मिला ली है, एकदम डीकम्पोज गोबर की खाद, लगभग 3 साल पुरानी खाद होगी वो, तो वो खाद मैंने मिला ली है। उसके बाद मैंने थोड़े से यहाँ पे चारकोल का पाउडर लिया है, ये देखिए लकड़ी का जो कोयला होता है ना उसका पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिलाया है, और 1 चम्मच के लगभग मैंने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिया हुआ है, और थोड़ी सी मैं इसमें नीम की खली थोड़ा सा ऐड करूँगी, बस इतनी सी, ये देखिए इतनी सी नीम की खली। तो और मैं ना इसमें मिट्टी ऐड कर रही हूँ, ना कोकोपीट ऐड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मिक्स कर रही हूँ, सिर्फ सैंड में और थोड़ी सी कंपोस्ट और ये थोड़ा सा फर्टिलाइजर मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। देखिए, जो बहुत बड़े बड़े इस तरह से पत्थर हैं उनको आप चाहे तो निकाल लें, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हाँ, ज़्यादा बड़े पत्थर रहने से कभी कभी रूट्स डैमेज हो सकती है, इसलिए उसको आप निकाल लें। और वैसे इसमें मैं थोड़ा सा ईंट का चूरा अगर मिला देती तो मेरा पॉटिंग मीडियम बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता, पर अभी हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है और ईंट भी गीला होगा और हाथ में फिर वही प्रॉब्लम मेरे ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा काम करने से, तो मैं वो सब नहीं करने वाली हूँ। तो बस दो ही प्लांट मुझे रिपोर्ट करने थे, तो मैं सैंड में ही लगा दे रही हूँ। और चाहे तो आप थोड़ा सा कोकोपीट इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वही विंटर में प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। और अगर आप सेंडर में लगाते हैं तो सेंडर तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको अडेनियम कभी ख़राब नहीं होंगे उसमें, पर मैं सेंडर का यूज़ नहीं करती, मेरे यहाँ अवेलेबल भी नहीं है और ऑनलाइन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं और सेंडर खरीदते खरीदते ही मेरा मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, उतना हो नहीं पाएगा मुझसे, तो इसलिए जो मुझे मीडियम समझ आता है, जो ठीक लगता है, मैं उसी में अपने प्लांट रिपोर्ट कर लेती हूँ। लास्ट मैंने जो बताया था आपको मीडियम, जो ईंट के चूरे वाला, वो मीडिया बहुत ही बेस्ट है, अगर आप बना सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी की बजाय आप ईंट का चूरा मिक्स करिए सैंड के साथ, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। राइस हस्क भी मेरे पास इस समय ख़त्म है, इसलिए मैं इसमें राइस हस्क भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, इसको हम मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको, और बस पॉट में भर के, पॉट के नीचे जैसे होल ज़्यादा हैं तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे अगर कुछ नहीं मिलता तो थर्माकोल के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास ये कोयले के टुकड़े हैं तो मैं इन्हीं को डाले दे रही हूँ नीचे, तो ये कार्बन का भी सोर्स है एक तरह से, और साथ में आपके ड्रेनेज होल को भी कवर कर देगा अच्छे से। ये देखिए, नीचे के जो होल थे उनको मैंने इससे कवर कर दिया है, तो पानी भी अच्छे से होल मतलब ड्रेन हो जाएगा और इससे सैंड भी बह करके बाहर नहीं निकलेगी, तो अच्छे से इस तरह से कवर कर दिया। अब हम इसमें भर देंगे ये मीडियम, ये देखिए, आप इस तरह के मीडियम लगा सकते हैं, काफ़ी सारे लोग ये इस मीडियम में प्लांट लगाते हैं, और देखिए स्प्राउटिंग इसमें छोटे छोटे शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसको प्रून भी किया हुआ था, वैसे पॉट मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ा सा छोटा है, पर देखती हूँ, थोड़ा मुझे बड़ा पॉट रखना ही पड़ेगा। मैं ना चाहते हुए भी पहले ये इसी पॉट में लगा था, लेकिन मैंने सोचा था मैं छोटा पॉट, क्योंकि विंटर चल आने वाला है और विंटर में थोड़ा सा छोटा पॉट रहता है तो ज़्यादा सही रहता है, पानी हमको उतना ज़्यादा देना नहीं होता है, और फरवरी में हम फिर से रिपोर्ट करते हैं।
तो चलिए मैं इसी में लगा देती हूँ। पहले बड़े वाले प्लांट को रिपोर्ट कर देती हूँ, उसके लिए मैं फिर दूसरा ढूंढ के लाऊँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने थोड़े से थर्माकोल के टुकड़े भी डाले हुए हैं, तो इस तरह से काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। एक हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट कर देना था, लेकिन मीडिया के चक्कर में मुझे लगा था, मैंने सोचा था ईंट वाला मीडिया ही मैं फिर से बनाऊंगी और प्लांट को उसी में रिपोर्ट करूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो इसी वजह से मैं आज इसको रिपोर्ट करे दे रही हूँ। किस तरह से रख करके, और बहुत ज़्यादा नीचे एकदम अंदर घुसाना नहीं है हमको, थोड़ा उठा करके ही लगाएंगे। तो कभी भी आपका प्लांट कहीं से भी रोट हो रहा ना अगर, तो आप उसको कम से कम 10 दिन 12 दिन उसको अच्छे से सूखने दीजिए, उसके बाद ही आप रिपोर्ट करिए, तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होता है। नहीं तो यही दिक्कत आ जाती है कि प्लांट आपका ख़राब होने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखा करिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसको अगर आप सुखा लेते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाता है, फंगस लगा हुआ पार्ट जो कट करके हम हटा देते हैं, उसके बाद भी मतलब प्लांट पे कुछ ना कुछ चांस रह जाते हैं, तो उनको अगर आप अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो फिर प्लांट ख़राब नहीं होता है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं पूरा विंटर रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, फरवरी में रिपोर्ट करूँगी तो ये अच्छे से चल जाएगा, लेकिन फिर भी 4-5 महीने रखना मेरे लिए मतलब थोड़ा सा बेकार ही है, कोई मतलब नहीं है इतने दिन इसको रखना, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। अभी टाइम भी है रिपोर्टिंग का, तो अभी मैं आराम से इसकी रिपोर्टिंग कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से चल भी जाएगा। तो अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बस इस सितंबर में कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर अक्टूबर में करते हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है अच्छे से, अगर ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो ग्रोथ फिर होनी बंद हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही मैं इसको रखूँगी, बाकी बहुत ज़्यादा मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ जानबूझकर, ताकि इसमें कोई रोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए और हमारा प्लांट अच्छे से चल जाए। तो बस इतना ही हमको लगाना है इसको, और दूसरे को एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, अगर लग जाता है इसी में तो अच्छा है, नहीं लगता है तो फिर पॉट लाना पड़ेगा। और ये 15-20 दिन सूखे हुए प्लांट है, तो रिपोर्टिंग के बाद आप तुरंत इसमें पानी भी दे सकते हो, और चाहे तो बारिश में भी आप रख सकते हैं अगर चाहे तो, ज़रूरी नहीं है तो, लेकिन पानी आप सेम डेज पे इस पर दे सकते हैं। तो मैं भी आज इनको पानी दे ही दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है ये।